लो और हाई सिग्नल मिलने के बाद में यहां से एक पल्स जनरेट होगी जो वापस हमारा एक ट्रांजिस्टर ऑपरेट कराएगी। ये ट्रांजिस्टर के थ्रू हमने एक ऑप्टो कपलर हमने एक ऑप्टो कपलर इससे ऑपरेट कराया। अब ऑप्टो कपलर क्या काम करेगा, जब तक आपका लो और हाई वोल्टेज वेरी नहीं होगा तब तक ये ऑप्टो कपलर को कोई कमांड नहीं मिलेगा। जब भी इसको लो या हाई वोल्टेज होगा ये सीधा इसके बेस ड्राइव को इफेक्ट करेगा। जैसे आप ओपन एम्पलीफायर में ये लो और हाई को बैलेंस करके आउटपुट लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल टीवी के अंदर 10-15, 18-15 ट्रांजिस्टर लगा के वॉल्यूम कंट्रोल वेरी करते थे, यहां से जो कमांड आएगा वो ऑप्टो कपलर को सेम उसी सीक्वेंस में वेरी करेगा। जब भी लो या हाई डिटेक्ट करेगा उसके रेशो में यहां से आउटपुट मिलेगा। ऑप्टो कपलर ऑपरेट होगा उससे इसका बेस बायसिंग वोल्टेज चेंज होगा। बेस बायसिंग के हिसाब से सपोज हमारा यहां पर 270 वोल्ट आ गया, उस टाइम पे ये हमारा ऑप्टो कपलर ऑपरेट हो जाएगा और ये हमारा वोल्टेज जो 390 या 380 जो हमें चाहिए वो कॉन्स्टेंट मिलेगा, ईएफसी कॉन्स्टेंट मिलेगा।